Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sneha. I hope all of you are doing well. तो आज मैं दिल्ली स्पेशल एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. दिल्ली में ये मोस्टली लोगों को पसंद आती है ये रेसिपी, और ये ज़्यादातर लोग खाते भी हैं. तो यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट ले लेते हैं. तो जैसे कि मैंने ले लिया है टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन. इसको हम लोग ले लेंगे और इसको पतला पतला चॉप कर लेंगे इस तरीके से. आप देख रहे हो, आपको बहुत बारीक बारीक आपको ये सारे अनियन और टमाटो, हरी मिर्च एंड गार्लिक, ये सारी चीज़ें आपको पतली पतली काट लेनी है. और यहाँ पे मैंने लिया है पीला मटर. तो छोले बनाने के लिए स्पेशली पीला, ये कुलचे वाले छोले हैं, तो छोले बनाने के लिए पीला मटर आपको ही लेना है. और रात में मैंने सूप करने के लिए रख दिया था. और इसको 4 से 5 सीटी बॉयल करने के लिए लो फ्लेम पर कुकर में रख देंगे. फिर ये बॉयल हो जाएगा तो आपको इसमें मिक्स करना है हरी पीली मटर के साथ. आपको इसमें यहाँ पे अनियन मिक्स करना है, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ. एक हम लोग इसको चला लेंगे एक चमचे से ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए. फिर इसमें मैं थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक डालूंगी, यानी लहसुन जो मैंने काट के रखा हुआ था इसको भी मिक्स कर लेंगे. आपको लहसुन अगर नहीं चाहिए, स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. मुझे लहसुन का फ्लेवर पर्सनली पसंद है, इसलिए मैं लहसुन डाल रही हूँ. फिर हरी मिर्च डाल के और टमाटर डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे. ये सारी जो भी सब्जियाँ हैं इसको आपको पतला पतला काट लीजिएगा, और पतला ही पतला डालना, मोटा मोटा नहीं, क्योंकि वो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं आएगा. तो ये चीज़ ध्यान में रखिए. इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फिर यहाँ पे मैं एक नींबू डाल रही हूँ. मुझे थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा चाहिए इसलिए मैं एक नींबू डाल रही हूँ. आप चाहें तो आधा भी डाल सकते हैं, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू कम या ज़्यादा डालना है. फिर इसमें मैं एक चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ. आप अपने हिसाब से सॉल्ट कम या ज़्यादा डाल सकते हैं. और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो जो सॉल्ट है, नींबू जो मैंने डाला, उसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे ताकि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा खट्टा हो गया, कहीं ज़्यादा नमक ज़्यादा हो गया. आपको अच्छे से मिक्स करना है. 1 से 2 मिनट तक आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा. फिर यहाँ पर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ. फिर एक स्टील की कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ. आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल रही हूँ. फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी, और मैंने एक प्याज काट के अलग से रखी थी, इसको भी हम लोग इसमें डाल देंगे. और एक स्पैचुला से हम लोग चला लेंगे. इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग थोड़ा सा सौते करेंगे प्याज को. फिर जो मैंने मटर में जो भी मैंने इंग्रेडिएंट मिला के रखे थे वो हम लोग 1 by 1 इसमें डाल देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे. पूरा मटर आपको इसमें ट्रांसफ़र करना है, और इसको एक स्पैचुला से हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे. जो मैंने प्याज और घी डाला था उसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे. आपको इसको लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाना है. तो क्या है, मटर का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो और बढ़ जाएगा. तो आपको इसको 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है. अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, और हल्दी डाल के हम लोग एक स्पैचुला से इसको चला लेंगे.
आप देख रहे हो मटर कितनी ज़्यादा मुलायम और कितनी थिक थिक हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इमली का पानी डाल रही हूँ और हम लोग चला लेंगे अच्छे से, और इसको लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट, जैसे कि मैंने कहा है आपको, पूरी मटर को 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। जितनी आपकी मटर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे उतनी टेस्टी आपके छोले बनेंगे और कुलचे के साथ, तभी ये फ्लेवर बहुत काफ़ी फ्लेवर्ड लगते हैं, काफ़ी खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और डाला है और एक चम्मच मैं इसमें आमचूर पाउडर डालूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम लोग, ताकि जितनी भी मैंने ये इंग्रेडिएंट, जितने भी मैंने मसाले डाले हैं, ये अच्छे से हमारी ये जो छोले करी है इसमें अच्छे से वो मिक्स हो जाए। आप देख रहे हो कितना लुक्स इसके जो इसका जो कलर है कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको लो फ्लेम पे धीरे धीरे आपको पकाना है। इसमें मैंने फिर लास्ट में मैंने बताया कि आपको आमचूर पाउडर थोड़ा सा डालना है और इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। फिर मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स, बहुत सारा आपको धनिया डालना है, जो धनिए का मेन इसमें है, ये धनिया तो मेन है, तो धनिया स्किप नहीं करना है। धनिया भी आपके पास अगर है तो आप धनिया ज़रूर डालेगा, वो और इसमें इसका टेस्ट और बढ़ा देता है छोले का, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और हम लोग इसको चला लेंगे, 5 मिनट बाद बंद करेंगे और सर्व करेंगे कुलचे के साथ। आप इसको ये वैसे बेसिकली छोले कुलचे के साथ ही अच्छा लगेगा ये रेसिपी, तो अगर आप कुलचे आप बना सकते हैं तो वो ज़रूर इसके साथ एंजॉय करिए। ये रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।